हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब? तो अभी मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं और तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले फ्रिज ही साफ़ कर लूँ। तो अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। मैं फ्रिज सिर्फ पानी से और एक साफ़ कपड़े से इसे साफ़ कर रही हूँ। और मेरी फ्रिज हमेशा साफ़ ही होती है, ज़्यादा डर्टी में उसे होने नहीं देती हूँ। पर जैसे आज मुझे करना था इसकी डीप क्लीनिंग, तो सोचा इसे उसके टब और जो भी इसके अंदर के वो सामान है उसको मैंने वॉश करके सुखा लिया है और अभी मैं अच्छे से इसे साफ़ कर रही हूँ। तो और जैसे कि मैं हूँ नागपुर से, तो नागपुर में कोरोना पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 दिनों का लॉकडाउन था, जैसे शनिवार और रविवार। तो ये 2 से 3 हफ्ते चला, पर उसके बाद भी कुछ भी चीज़ें नियंत्रित नहीं हुई। तो अभी पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। तो जैसे सोमवार से लेके तो संडे तक लॉकडाउन है। तो मैं जनता से यही कहती हूँ कि कृपया अपने घर में ही रहे और स्वस्थ रहे, ताकि आप लोग भी इस कोरोना की बीमारी से पीड़ित ना हो और अपने घर में ही रहे, स्वस्थ रहे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अपनी फ्रिज अच्छे से साफ़ कर ली है। ये चीज़ तो मैं कंटिन्यू टाल रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर साफ़ ना हो तो दिल ही नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज ही मैं इसे कर लेती हूँ, चाहे जितना भी लेट हो चलो ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। पर आज मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर ली है, फ्रिज अच्छे से। जैसे ही मेरी फ्रिज साफ़ हो गई, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था और उसके बाद में ये जो पार्ट्स है फ्रिज के अंदर के, मैंने उसे अच्छे से पोंछ कर अंदर सेट कर लिया है, ताकि मेरे फ्रिज का ये काम भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और मैं दूसरे काम में लग जाऊँ। तो नीचे भी मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा था, तो मैंने उसे और एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस तरह से मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को सेट कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से मेरी फ्रिज लग रही है ना, एकदम चकाचक और बहुत ही सुंदर। और मैंने सारे वेजिटेबल्स भी रख दिए हैं। तो अभी हो गई है शाम और ये देखिए, हमारे घर आज कौन आया है? ये है मेरे मौसा ससुर। तो ये क्लिप जो मैं बना रही थी, तो ये क्लिप था संडे का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंडे से हमारे यहाँ लगने वाला था लॉकडाउन, तो शायद इसीलिए ही हम लोगों को मिलने आ गए होंगे कि न जाने अब कब मुलाकात होगी, क्योंकि पिछले बार भी 2 से 3 महीना लॉकडाउन रह चुका था। तो किट्टू को ही मिलने ये आ गए थे, तो अभी ये किट्टू के साथ खेल रहे हैं। जैसे हम इनके यहाँ जाते हैं तो किट्टू इनके साथ बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होता है, पर आज किट्टू ना जाने बहुत खुश था, बहुत, और इनके साथ बहुत ही कंफर्ट था और बहुत अच्छे से खेल रहा था। वैसे ये है भी बहुत अच्छे, किट्टू को बहुत अच्छे से देख भी रहे थे। जैसे ही मेरे मौसा ससुर आए, हमने नॉनवेज की तैयारी कर ली। तो इन्होंने कहा कि मैं पकोड़े ही बना दूंगा, तो इन्होंने मुझे पकोड़े बनाने में मदद की है। तो अभी ये बना रहे हैं पकोड़े। वैसे ही हमेशा मेरी मदद करते, कोई ना कोई छोटी मोटी मदद ये कर ही देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पति बना रहे हैं चिकन पकोड़े यहाँ, और मैंने सोचा कि तब तक मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने बनाया है कीमा कलेजी
और चिकन बिरयानी, तो वो सब बन चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि आप पकौड़े बना लो, तब तक मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रोटियाँ बना लूँगी गर्मा गर्म। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये देखिए इस तरह से बन रहे हैं मेरे पकौड़े गर्मा गर्म। और यहाँ बन रहा है कीमा कलेजी। तो मेरा पूरा खाना बन चुका है, इनके पकोड़े भी बनकर हो गए हैं। तो अभी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ ताकि सबको मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सर्व कर सकूँ। वैसे मुझे ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी थी, इसलिए मैं आज एक ही तवे पे सेक रही हूँ। तो क्योंकि मैंने बनाई है बिरयानी, तो ज़्यादातर लोग बिरयानी ही खाएंगे, जिसको रोटी खाना रहेगा वो रोटी खा लेगा। तो अभी सब बैठ गए हैं खाना खाने, तो सबको खाना बहुत यम्मी लगा। और यही तक था मेरा आज का वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।